हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू YouTube वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं करवाने वाली हूँ अपना होम टू स्वीट होम होम। तो चलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फिर फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड। आप लोग ऐसे दिखाती हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड एंड फिर उसके ऊपर छत है और ये ग्राउंड फ्लोर है। इसका नाम है शिव शक्ति भवन। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मेरे घर में मंदिर है, शिव का स्थापना किया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने शिव शक्ति भवन। तो ये ऐसी स्पेस है थोड़ा सा, लाइक हम लोग बाइक वाइक यहाँ पे रखते हैं। इधर भी डस्टबिन वगैरह है और इधर हमारा इट्स लाइक अ स्पेस है। इधर हमारे घर में चापाकल भी है, शोर सी, बट इसमें पानी नहीं आता। इट्स ये तो हमेशा मेरे को देख के भूखता ही रहता है क्योंकि मैं इससे मिलने नहीं आती। तो ये हमारा प्यारा डॉग है, प्यारा नहीं, बहुत बदमाश है। और इधर बस स्टोर वगैरह है, कम ये बस स्टोर वगैरह है। ये डॉगी बोल दो हाय 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 से हाय। तो ये हमारा इधर शताब बोलने दो। तो चलो मैं आगे बताती हूँ, ऐसे ही बोलने नहीं। तो उधर हम लोग नॉनवेज भी बनाते हैं क्योंकि हमारे घर के अंदर, मतलब यहाँ से अंदर हम लोग का नॉनवेज बनने का नहीं है क्योंकि हम लोगों ने शंकर जी का स्थापना किया हुआ है। तो हम लोग उस साइड ही नॉनवेज बनाते हैं, मतलब मैं तो नहीं खाती लेकिन मेरे फैमिली में सबको खाते हैं। तो हम लोग का नॉनवेज उधर ही बनता है। और चलो अंदर चलते हैं। ये हम लोग का ऐसी लाइक फुटवेयर वगैरह रखने का है, मतलब ये गेस्ट रूम है हम लोग का। टीवी तो दिख ही रहा होगा और इधर भी आ जाओ एक बार, इधर भी स्टोरी है, स्टोरी है। मेरे घर में स्टोर बहुत है, मतलब कचड़े बहुत है मेरे घर में। तो ये सब ये हम लोग का गेस्ट रूम का किचन है जहाँ खाना बनता है। और मैंने कुछ भी अरेंज स्पेशली नहीं किया इस वीडियो के लिए, आपको दिख नहीं रहा होगा सब कुछ, लाइट उल्टा आ रहा है, इधर चलेगा। तो जैसे ही था, मतलब जैसे ही सब कुछ था मैस, मैंने वैसी वीडियो बना दिया। और ये है हमारा एज अ नॉर्मल रूम। और ये फ्रिज कितना पुराना है, होगा 15 साल। ये 20 साल पुराना फ्रिज है जो कि एकदम बहुत अच्छा है, मेरे फ्रिज से ज़्यादा बेटर। और ये नॉर्मल इधर खिड़की विड़की है, ये इधर दिखा दो। ये मेरी बुआ की शादी का फोटो है, तुम आकर दिखाओ। ये है मेरे चाचू का रूम। तो ये बेड है, उधर टेबल है और इधर चेयर्स है, कपड़े रखे हैं, ये ड्रेसिंग है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये हम लोग का स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है। और ये हम लोग का बरांडा टाइप से छोटा सा, ऐसी ग्लास एंड ऑल रखा हुआ है, टेडी वगैरह। नेक्स्ट सेकंड फ्लोर पे चलते हैं हम लोग। और ये हमारा ऑफिस है, छत इसी में हो रहा था तो अभी ये ऐसे पड़ा हुआ है, बट ये हमारा ऑफिस है जहाँ से। फिर यहाँ से स्टेयर्स है, फिर आ जाओ ऊपर। तो स्टेयर्स ये, मतलब आते ही एक फर्स्ट रूम ये है स्टेयर्स पे ही, जो कि ये चाचू का रूम है। इधर बालकोनी है छोटा सा, ये बालकोनी है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ से आप ये ऐसा फ्लैट बना हुआ है जहाँ आंटी मेरी रहती है, मेरी बड़ी वाली आंटी। तो आज पहले फर्स्ट रूम है ये, जो कि खाली है क्योंकि अभी ये बन रहा था। मेरा फेवरेट है ब्राउन, बहुत काले दिख रहे, कुछ दिख नहीं रहा हुआ इधर। और इधर ऐसे स्टोर वगैरह टाइप कुछ कुछ रखा हुआ है सारा। इधर भी बालकोनी है, इधर बालकोनी है, इधर बहुत लंबा सा है, ये अच्छा है काफ़ी है हमारा। ये लास्ट पॉइंट है। और इधर है, इधर खेत है मेरे घर के जस्ट,
जस्ट मेरे घर के बगल में ही खेत है, इधर भी खेत है और उधर ग्राउंड है। अभी चलते हैं, इधर हम लोग कैजुअली ज़्यादा आते नहीं है, बस जैसे कपड़े सुखाने वगैरह होते हैं तो ही आते हैं। तो आगे चलो, उल्टा चलना बोल रहा है। आराम से। और ये रूम तो अगर मैंने देख लिया है, ये वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम ही है, ये किचन आंटी का, इधर विंडो है, यहाँ पे विंडो है छोटू सा। और हाय, ये है आप लोग का इस फ्लोर का थर्ड रूम। ठीक लग रही हूँ मैं, हाँ ये सारा कपड़े रखने का है। हाय, चलो फिर मैं थर्ड रूम दिखाती हूँ, आ जाओ। सॉरी, फोर्थ रूम। ये फोर्थ रूम है और ये भी सारा खुलने का ऐसे है। अलमीरा है, ये भी अलमीरा ही है और वो एसी लगा हुआ है। मेरे पूरे घर में कितना एसी है? आई गेस 3-4 एसी है फर्स्ट। और ये टीवी है इधर, टीवी, और इधर विंडो है जो कि बरामदा की ओर खुलता है। ये रूम से निकलते ही, फोर्थ रूम से निकलते ही छोटा सा बरामदा है, यहाँ पे एक सारी हुआ लेकिन खटारा हो गया है। और ये इधर ऐसे ही है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। और आस्था है और ये मेरा भैया, और ये पहचानो कौन है, ये बिल्कुल मायरा की तरह लग रहा है लेकिन ये आस्था का छोटा भाई हनी है। ये डाइनिंग टेबल, इस पर सिर्फ और सिर्फ कचरा रखाता है, लाइक दवाई बॉटल, ये कोई खाता नहीं है इस पर। और फिर ये फिफ्थ रूम है इस फ्लोर का। ये मायरू है और इधर से फिर निकलते हैं, छोटा सा बरामदा। और ये गेट है, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं, स्टेयर्स है। तो फिर ये फर्स्ट फ्लोर था, नीचे का ग्राउंड फ्लोर था और ये हम लोग थर्ड फ्लोर तो सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। ये मेन गेट है, ये फर्स्ट रूम है, बेड है, ये खिड़की है और सोफा है, अलमीरा है, इधर एक और विंडो है, पेड़ वेड़ है लगा हुआ। और यहाँ भी बहुत अच्छा धूप आता है इधर से, और इधर मम्मा कपड़ा सुखाती है इधर साइड। बालकोनी पूरा उन्ड तक है, वो तो आप लोग देख लिया था। चलते हैं फिर, आराम से चलो, आ जाओ इधर जाओ। ये मम्मी और पापा का है फोटो, और उधर मम्मी का है। फिर यहाँ से निकलते ही फिर ये हॉल, और इधर ये हमारा हॉल है। ये झूला है जो कि मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो ये बैठ गई। और पेंटिंग वन ऑफ माय फेवरेट इस पूरे घर का है, ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मतलब जो लोग भी आते हैं मेरे घर में इस पेंटिंग के बारे में ज़रूर पूछते हैं, बहुत प्यारा है, टच वगैरह सब करते हैं। और फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, और ये है वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है इधर, और ये हमारा किचन है, ये इधर है, पड़ा हुआ है। और इधर ये बेड है, और इधर ये पापा का अलमीरा है जिसमें मम्मी का भी कपड़ा रहता है, इधर पापा का रहता है नीचे मम्मी का, और ये इधर डुगू का है, ज़्यादातर मम्मी का ही कपड़ा है क्योंकि मम्मी बहुत सारे कपड़े रखती है। ये ऐसा खिड़की है जो कि ऊपर से लॉक है, मैं नहीं खोल रही। और इधर टीवी है, बंद रहता है एकदम। और ये हमारा स्टोर रूम है जो कि पहले ही मेरा रूम हुआ करता था, अब मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ। तो ये ऐसी
सारा सब कुछ कपड़ा है। ये डुगू का स्टडी टेबल है और जो कि डुगू यूज नहीं करता है। ऐसे सारा सारा स्टोर है पूरा इधर। एंड ये ऐसे बहुत पुराना है, ये मेरा है, ये स्टोर करने के लिए सारे कपड़े वपड़े सब कुछ। और चलो इसमें से कुछ देखने लायक है नहीं। हॉल तो देख ही लिया आपने, ये रहा मेरा हॉल। तो फिर ये था हमारा सेकेंड फ्लोर जहाँ मम्मा रहती है, और इधर आ जाओ, जहाँ मम्मा रहती है और पापा डुगो बस, और हम और भैया ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। रूम है ये, हमारा स्टडी रूम है जो कि पहले भैया का रूम था बट स्टडी रूम बन गया। डुगो का सारे बुक्स वगैरह रखे होते हैं। ये रूम से निकलते ही फिर ऊपर स्टेयर्स है और ऐसे फैमिली ऐसे बना हुआ है। ये एक और सीढ़ी है, आ जाओ। यहाँ से फिर एंट्री होता है। पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोग को हमारा मंदिर। ये हमारा मंदिर है इधर, यहाँ पे भगवान जी हैं, शंकर जी हैं, और इधर दुर्गा जी तो दिख ही रहे होंगे। ये ऐसे ही सारा स्टॉक रखेंगे। इधर विंडो है। तो फिर यहाँ से निकलते ही फिर ये है मेरा भैया का रूम का सब। और इधर बड़ा सा हॉल, अंडा तो दिखा दिया, इधर से एंट्री है मतलब इधर, और उस साइड तो मैंने मंदिर दिखाया। फिर यहाँ से एंट्री करते हुए फर्स्ट रूम है जो कि भैया का रूम है, वो सो रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। सोफा, सारे कपड़े बिखरे हुए। फिर ये इधर टीवी है, इधर सारा ड्रॉर वगैरह है, और मेरा लघु बैठे छूट गया तो मैं ये लेती हूँ। और फिर ये ड्रॉर है सब, ये बॉक्स वगैरह है, और इधर विंडो है जो कि ऐसे खुल जाता है, ऐसे बंद भी हो जाता है ये। इसके बाद इधर फिर इधर बालकनी है। ये बालकोनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पेस है इसमें, क्योंकि ज़्यादा स्पेस है क्योंकि नहीं बता। और इधर फिर बालकोनी दिखा दो, बालकोनी इधर बालकोनी। फिर यहाँ से हम लोग बंद कर देते हैं। और नहीं, ये मिरर बहुत प्यारा है, भी चलता है और ये अच्छा है काफ़ी मेकअप करने के लिए। बेड तो दे, बेड दिखा दो, बेड है ये छोटा सा ड्रेसिंग है, और लाइट ऑफ कर देती हूँ। फिर ये रूम से निकलते ही यहाँ पे वॉशरूम है। ये बहुत अच्छा है, इसमें सारा स्टव आ जाते हैं, ये बैग्स है सारे, और ये मिरर वगैरह है। तो फिर आगे चलते हैं। खड़ा हुआ है ये किचन, खाली पड़ा हुआ है, और इधर आर ओ लगा हुआ है जो कि अभी यूज़ नहीं हो रहा है। इधर ये किचन है जो कि यूज़ नहीं करती, पहले यूज़ करती थी, अभी यूज़ नहीं। और मैं अपना रूम दिखाती हूँ, अपना रूम दिखाती हूँ। चलो ये मेरा रूम, मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। हाँ, तो ये मेरा बेड, और इधर इधर आयरन है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये सारा डेस्क है इधर। ये मैं अभी मम्मी को रेडी करने वाली हूँ इसलिए ये खोल रखा है मैंने। ये मेरा फोटो है जिसको मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के अपना शक्ल ही देखती थी जो मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इसको ले जाना पॉसिबल नहीं है। ये पॉट, और ये मेरा मिरर, और फिर ये मेरा अलमीरा है। जैसे कि अभी बहुत साफ लग रहा है ना, इसलिए मैं दिखा भी रही हूँ, नहीं दिखाती खोल के। तो अभी सारे जो जो यूज़फुल कपड़े जो मैं नहीं पहनी हूँ, वो ये विंटर्स के, वो मैं ले जा रही हूँ। और ये कुछ कपड़े ट्रेडिशनल्स और जो मैं पहन चुकी हूँ, बोर हो गई हूँ, रखा हुआ है इसमें।
और फिर ये मेरे डेली पहनने के कपड़े, इसमें मैं डेली पहनने के कपड़े रखती हूँ, और इसमें मेरा ज्वेलरीज रहते हैं, इसमें मेरा कवर है, फ़ोन कवर दिखा लो, ये मेरा फ़ोन कवर एंड ऑल है सब कुछ। ये ऐसा ड्रॉर है और इसमें मैं सारा अपना फुटवेयर रखती हूँ जो कि मैंने अभी रख लिया है क्योंकि मैंने पैकिंग कर लिया है, ये सारा भरा रहता है फुटवेयर से, कुछ फुटवेयर मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसी नॉर्मली स्पेस है। ये एक है जिसमें मैं अपना बूट्स वगैरह रखती थी क्योंकि सारे बूट्स नहीं आ पाते थे तो मैं यहाँ रखती थी। और फिर इधर ये मेरा DSLR ट्राइपॉड है जो कि मैं नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया है। तो ये है मेरा प्यारा सा रूम। चलो छत पे लेके चलती हूँ, आ जाओ टचअप कर लेती हूँ, थक गई हूँ ना। चलो फिर लेके चलती हूँ छत पे। ये तो दिखाई दिया था, ये अंदर का स्टेयर्स है, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। आ जाओ बहुत कम आते हैं छत पे क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो ये कुछ प्लान्स हैं, ग्राउंड फ्लोर बना था ना, थक गई हूँ वेट। हाँ तो ग्राउंड फ्लोर बना था ना तब ये सोफ़ा आया था, तो तब का सोफ़ा, तो हम लोगों ने इसको छत पे डाल दिया है। और ये सिंक है हमारा छोटा सा, और इधर से भी खुलता है विंडो, खुल जाओ, इधर भी विंडो है, जैसे बहुत अच्छी धूप आती है। उधर से लो, उधर से मैं थोड़ा पोज दूंगी मैं। ये हमारा विंडो है, सनलाइट, ऐसे सनलाइट आता है इधर से। तो ये है, बंद कर देती हूँ, दूर से नहीं था। चलो तो ये देख लिया, इसके बाद फिर ये इधर यहाँ पे कुछ एक दो प्लांट्स हैं और यहाँ से हमारा रीलिंग वगैरह स्टार्ट होता है। इधर ये हमारा प्लान से कुछ, हेलो हाय, तो ये प्लांट्स है। ये डुबो का बाइक है जो कि वो यूज़ नहीं करता लेकिन मैं तो इसको चलाऊंगी। रुको, हाँ चलो, वन हो, वन टू थ्री, हट जा सामने से, चल जा। तो ये हमारा बाइक है जो कि डुगू चलाता ही नहीं क्योंकि वो दिन भर गेम में लगा रहता है, तो मैं इसको स्टैंड पे लगा देती हूँ। और ये भी हमारा रेलिंग है, और इधर से नीचे दिखता, दिखा दो, इधर से नीचे हमारा बरांडा जो है वो दिखता है, तो इट्स गुड। मेरे को ऐसे घर पसंद है, खुला खुला। और आगे इधर ज़्यादा बड़ा नहीं है छत, बट फिर भी बड़ा है अकॉर्डिंग टू लाइक, छोटा नहीं बोल सकते बट मीडियम है। ये प्लांट्स है कुछ जो कि मम्मी और पापा ने अच्छे से रखा है, ये भी नहीं था बट अभी हो गया है, लाइक उन लोगों ने लगाया अभी प्लांट। ये हमारा एसी का सारा है, मेरे के यहाँ टोटल कितने एसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एसी है मेरे के यहाँ टोटल। तो ये एसी का है इधर। और ये हमारा झंडा है जो कि रामनवमी में लगता है, ये हमेशा चेंज होता है, साल में एक बार या दो बार चेंज होता है, मुझे याद नहीं अच्छे से। और ये इधर हमारा रेलिंग है, इधर आ जाओ। और इधर कुछ बच्चे, इधर कुछ बच्चे खेलते हुए कचड़े में। और बहुत कम आते, एक और हमारा है, एक और छत है, आ जाओ दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं ऊपर लेके चलती हूँ, आप ऊपर चढ़ जाएंगी, चलो आ जाओ ऊपर से आराम से। आफ्टर एजेस, सीरियसली बहुत दिनों बाद, जब ये बना था ना छत तब आई थी और एक अब आ रही है। और ये हमारा पानी स्टोर होने का टंका है। और ये इधर से, ये इधर का व्यू है, ये कैक्टस है इधर, और दो टंकी है क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली है ना, तो और ये यहाँ का व्यू है, दूर जाओ, ये हमारा व्यू है पूरे वो का। फिर हम लोग नीचे चलते हैं, चलो
अब मुझे डर लग रहा है। नहीं लगेगा यहाँ से उतरने नहीं आता मेरे को। तो हम लोग नीचे आ गए हैं, थक गई इतने में ही, तो सीख ही नहीं है बिल्कुल। और ये तो देखेंगे आप लोगों ने। तो ये था हमारा होम टूर, और बहुत लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप अपने घर का अपना घर दिखाओ प्लीज़, होम टूर वीडियो, होम टूर वीडियो। तो फाइनली मेरा होम टूर वीडियो आ गया। तो मेरा छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा घर है ये, और मैं ये वीडियो अभी बहुत जल्दी में बनाई हूँ, तो सब कुछ बहुत मैस था, तो ऐसे ही मैंने बना दिया। रियलिटी इज़ रियलिटी, सो इज़ दिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा रूम अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और मेरा गला काफ़ी ख़राब था बट फिर भी मैंने वीडियो बनाया, तो प्लीज़ प्यार देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और ठीक है फिर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।